फिर उसके बाद सेकंड है यहाँ पे मेमोरी, सॉरी साइज, ठीक है। व्हेन ए वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद अ स्ट्रक्चर द कंपाइलर एलोकेट्स द मेमोरी फॉर ईच मेंबर। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या होगा, जब भी कोई भी एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनेगा, ठीक है, कोई भी एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनेगा तो जितने भी मेंबर उसमें बने हैं, चलो सेकंड क्या है, साइज। ठीक है, साइज मतलब क्या होगा कि जो भी अगर वेरिएबल बनेगा किसी भी स्ट्रक्चर का ही यूनियन का, ठीक है, तब उसको मेमोरी अलोकेट होगी। अब डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर है या यूनियन है। अगर स्ट्रक्चर होगा तो उसके जितने भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, सभी के सभी एक्टिव होंगे और सभी को मेमोरी मिलेगी। ठीक है, अगर यूनियन होगा तो यूनियन में जो भी मेंबर्स होंगे उसमें लार्जेस्ट साइज जिसका होगा, ठीक है, तो वेरिएबल का साइज भी उतना ही होगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, कल वाला एग्जांपल देख लेते हैं अपन, उसे समझ में आ जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में तीन वेरिएबल है, ठीक है, तीन मेंबर है इसके, तो मेंबर वन जो है वन बाइट ले रहा है, मेंबर टू जो है वो टू बाइट ले रहा है, और मेंबर थ्री जो है वो फोर बाइट ले रहा है। अगर ये स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो जितने भी मेंबर होंगे इसका साइज टोटल किया जाएगा, उतना ही साइज किसका होगा, इस स्ट्रक्चर वेरिएबल का होगा। ठीक है, यूनियन में क्या होता है, जितने मेंबर होंगे उसमें से सबसे ज्यादा साइज जो ले रहा होगा, ठीक है, तो यूनियन वेरिएबल का भी साइज उतना ही होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये था सेकंड पॉइंट, साइज। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट आते हैं, मेमोरी। ईच मेंबर विद इन स्ट्रक्चर इज असाइंड यूनिक स्टोरेज एरिया लोकेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो भी मेमोरी बनेगा, ठीक है, जो भी मेमोरी अलोकेट होगा, जितने मेंबर्स होंगे सबके लिए अलग अलग मेमोरी अलोकेट किया जाएगा। ठीक है, जितने मेंबर्स होंगे सबके लिए अलग अलग इंडिविजुअल मेमोरी अलोकेट किया जाएगा। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं होता, यूनियन में जब भी वेरिएबल बनेगा तो सिंगल मेमोरी लोकेशन ही उसको अलोकेट किया जाएगा, जितने मेंबर्स होंगे सभी एक ही मेमोरी लोकेशन यूज करेंगे। ठीक है, सभी एक ही मेमोरी लोकेशन यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस एग्जांपल में, ठीक है, यहाँ पे देखो वन बाइट, टू बाइट, फोर बाइट, ठीक है, टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, सेवन बाइट आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिए, लार्जेस्ट साइज वाला जो भी वेरिएबल होगा, सॉरी जो भी मेंबर होगा, ठीक है, जो वेरिएबल बनेगा वही साइज का रहेगा। तो ये वेरिएबल जो है वो मेमोरी को शेयर कर रहा है इन तीनों में, तीनों में शेयर कर रहा है, मतलब एक ही मेमोरी लोकेशन उसको अलोकेट किया जाएगा, सेम मेमोरी लोकेशन जो है जितने भी मेंबर्स होंगे सब में शेयर किया जाएगा। ठीक है, सबको अलग अलग मेमोरी नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, वैल्यू ऑल्टरिंग। ठीक है, ऑल्टरिंग द वैल्यू ऑफ ए मेंबर विल नॉट अफेक्ट अदर मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर एक मेंबर में कोई डेटा में चेंज होता है, ठीक है, जैसे हमने कोई भी इंट आईडी लिया, उसमें प्लस टू कर दिए, ठीक है, वो दूसरे डेटा मेंबर अफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा मतलब इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल मेमोरी उसको मिला हुआ है, तो वहां पे अगर एक डेटा मेंबर में कोई भी डेटा चेंज होता है तो दूसरे में अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब तीनों मेंबर जो होंगे इंडिविजुअल होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग यूनियन की बात करते हैं तो ऑल्टरिंग द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द मेंबर विल ऑल्टर अदर मेंबर्स वैल्यूज। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्योंकि शेयर्ड मेमोरी यूज हो रहा है, जितने भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, उसमें मेमोरी लोकेशन सेम यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान के चलो यहाँ पे कैर एक्स जो है, सबसे पहले इसको इनिशियलाइज करती है, ठीक है, और इसमें एक वैल्यू हम लोग देती है, फिर उसके बाद अगर इंट वाई को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं तो वो क्या करेगा, इस एक्स की वैल्यू को हटा के अपना वैल्यू वहां पे
इंसर्ट कर देगा, ठीक है। फिर अगर फ्लोट z को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं तो y की वैल्यू को हटा के z की वैल्यू डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चेंजेस हो रहा है एक डेटा मेंबर में तो दूसरे डेटा मेंबर में भी वो अफेक्ट करेगा, ठीक, समझ में आया। तो ये हुआ फोर्थ पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक्सेसिंग मेंबर्स, ठीक है। इंडिविजुअल मेंबर कैन बी एक्सेस एट ए टाइम, अलग अलग मेंबर को हम लोग एक साथ एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। क्यों ऐसा, जितने मेंबर है सबको अलग अलग मेमोरी मिल रही है, ठीक है, तो हम लोग एट ए टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यूनियन में क्या होगा कि मेमोरी जो है वो शेयर हो रही है, तो शेयर होने के कारण क्या होगा, कोई एक ही मेंबर उस मेमोरी को यूज कर पाएगा, ठीक है। तो जिस समय जिस मेंबर के पास मेमोरी मिली हुई है उसी को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ओनली वन मेंबर कैन बी एक्सेस एट ए टाइम, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मेमोरी भी एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनिशियलाइजेशन ऑफ मेंबर्स। स्ट्रक्चर में सेवरल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर कैन इनिशियलाइज एट वंस, ठीक है। सभी के सभी डेटा मेंबर को हम लोग एक साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यूनियन में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ओनली द फर्स्ट मेंबर ऑफ ए यूनियन कैन बी इनिशियलाइज, जो भी उसका फर्स्ट मेंबर होगा वही इनिशियलाइज हो पाएगा वही इनिशियलाइज हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद वो जो भी नेक्स्ट मेंबर होगा वो उसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे तो फर्स्ट वाले को ओवरराइट करेगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये डिफरेंस था, ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो इंग्लिश में, लेकिन ठीक है हिंदी वाले नोट्स में भी होगा शायद वो, ठीक है। सर वॉइस नहीं आ रही है। ई नाम का एक सिंपल सा फंडा है, क्या फंडा है, अगर मान के चलो मैं कोई नंबर लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिया वन, ठीक है, मैं इस वन को एक नया नेम दे सकता हूँ, ठीक है, इस वन को मैं एक नया नेम दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा टू, ठीक है, इस प्रकार से मैं एक नंबर को क्या दे सकता हूँ, नेम दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनुमरेटेड टाइप होता है, ठीक है, तो ये जनरली कोई भी एक इंटीजर वैल्यूज को डिफाइन करता है और इस इंटीजर वैल्यू को हम लोग एक नया नाम दे सकते हैं या फिर कोई भी एक मीनिंगफुल नेम हम लोग दे सकते हैं। आया समझ में, आया कि नहीं आया, इतना समझ में आ गया पक्का। देखो इसको ध्यान से समझो, द इनम इन सी ऑल्सो नोन एज इनुमरेटेड टाइप, ठीक है, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यूज। ये एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही होंगी, ठीक है, कौन सी वैल्यूज होंगी, इंटीजर वैल्यूज, और हम लोग इस इंटीजर वैल्यू को एक नेम दे सकते हैं, ठीक है, एक मीनिंगफुल नेम हम लोग यहाँ पे इस नंबर को दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। The use of enum in C makes the program easy to understand and maintain. The enum is defined by using the enum keyword. ठीक है, कैसे हम लोग इसको define कर सकते हैं, enum keyword से, ठीक है। enum का सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ही फंडा है, क्या फंडा है, हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ integer value ले सकते हैं और हर एक integer value को एक नया name हम लोग provide कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैसे एक enum डिफाइन कर सकते हैं, enum और उसके बाद मैंने इस enum का एक नेम दे दिया फ्लैग, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इंटीजर कॉन्स्टेंट वन, इंटीजर कॉन्स्टेंट टू, अप टू इंटीजर कॉन्स्टेंट एन, ये हमारा एक सिंटैक्स है, ठीक है। यहाँ पे जनरली enum का नेम हम लोग लिखते हैं, ठीक है, enum हम लोग कीवर्ड लिखेंगे,
ठीक है, 32 कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनम नेम, जो भी हम लोग नेम रखना चाहते हैं वो हम लोग रख लेंगे, फिर उस पर इंटीजर कॉन्स्टेंट वन, इंटीजर कॉन्स्टेंट टू, इंटीजर कॉन्स्टेंट एन, कितना भी हम लोग यहाँ पे इंटीजर कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा इनम, उसके बाद लिखा फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स जानते हो फल, ठीक है। सबसे पहला हमने लिखा मैंगो, क्या लिखा यहाँ पे मैंगो, फिर उसके बाद लिखा एप्पल, उसके बाद लिखा स्ट्रॉबेरी, फिर उसके बाद लिखा पपाया, ठीक है। कितने फ्रूट्स है यहाँ पे, 4 फ्रूट्स है, ठीक है, मैंगो एप्पल स्ट्रॉबेरी पपाया, ठीक है। अगर हम लोग इसके इंटीजर कॉन्स्टेंट की बात करें, तो सबसे पहला एलिमेंट जो होगा उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 असाइन किया जाएगा, ठीक है। इस ई नम के सबसे पहले एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट 0 असाइन किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी इसकी वैल्यू होगी, अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट 0 है, तो 0+1 करके नेक्स्ट एलिमेंट का कॉन्स्टेंट बनाया जाएगा, ठीक है, 0+1, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हुई, 1 हो गई, ठीक है, तो 1+1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, फिर उसके बाद 2+1 क्या आ जाएगा, 3, तो 0, 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ पे देखो, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ मैंगो इज 0, एप्पल इज 1, स्ट्रॉबेरी इज 2 एंड पपाया इज 3। इफ यू वॉन्ट टू चेंज दिस वैल्यूज देन वी कैन डू एज गिवन बिलो। अगर हम लोग को इसकी वैल्यूज को चेंज करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इनम फ्रूट्स, यहाँ पे लिखेंगे मैंगो इक्वल टू 2, एप्पल इक्वल टू 1, स्ट्रॉबेरी इक्वल टू 5, पपाया इक्वल टू 7। ऐसे हम लोग कस्टम नंबर्स भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हमने यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे इस टाइप का डिफाइन कर दिया, तो कंपाइलर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उसको 0, 1, 2, 3, 4 असाइन कर देता है, ठीक है, जस्ट लाइक इंडेक्स नंबर। आया समझ में, अगर हम लोग को खुद से नंबर यहाँ डिफाइन करना है तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू लगा के कर सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये बोल रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे तो मैंने इंटीजर कॉन्स्टेंट लिखा था और यहाँ पे मैंगो दिया है ना, हमने क्या किया, इस इंटीजर कॉन्स्टेंट को एक नेम यहाँ पे दे दिया, क्या किया है, इंटीजर कॉन्स्टेंट को यहाँ पे हमने एक नेम असाइन कर दिया, लेकिन एक्चुअल में इस मैंगो की वैल्यू क्या है, 0 है। एक्चुअल में उस मैंगो की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, एप्पल की वैल्यू क्या है, 1 है, स्ट्रॉबेरी की वैल्यू क्या है, 2 है, पपाया की वैल्यू क्या है, 3 है। समझ में आया, हम लोग ने एक नंबर को एक नेम दे दिया बस, ठीक है। हम लोग चाहे तो इस नेम का नंबर चेंज कर सकते हैं, नंबर का नेम चेंज कर सकते हैं, हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, ठीक है। कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सेम वैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे मैंगो इक्वल टू 2 कॉमा एप्पल इक्वल टू 1 कॉमा स्ट्रॉबेरी इक्वल टू 5 कॉमा पपाया इक्वल टू 7, ठीक है, यहाँ कॉमा नहीं आएगा लास्ट में, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको नंबर्स को भी अलग से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो इसको लिखना है तो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है। कैसे हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं, एज वी नो दैट इन सी लैंग्वेज वी नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ प्री डिफाइंड टाइप सच एज इंट फ्लोट कैर एक्सेट्रा। सिमिलरली वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप सच एज इनम। जैसा हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप जो यूज करते हैं, इंटीजर फ्लोट कैर डबल, ठीक है, सबके वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, सभी के वेरिएबल्स हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाएंगे उसका भी हम लोग को वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे, स्ट्रक्चर का भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, बनाए थे ना वेरिएबल, ठीक है, यूनियन बनाए उसका भी एक वेरिएबल बनाए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो भी हम लोग
यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं उसका भी वेरिएबल बनाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक यहाँ पे enum बनाया, enum स्टेटस, और इसके अंदर मैंने दो वैल्यूज ले ली, ठीक है, फॉल्स और ट्रू, ठीक है, फॉल्स लिया और ट्रू लिया। फॉल्स का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, और ट्रू का वन, एक्चुअल में भी वही होता है, ठीक है। फॉल्स का एक्चुअल वैल्यू होगा जीरो और इसका एक्चुअल वैल्यू होगा वन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस स्टेटस का क्या बना सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सेम जैसा स्ट्रक्चर यूनियन का बनाते थे वैसे ही, ठीक है। हम लोग यहाँ कीवर्ड लिखेंगे enum स्टेटस और उसके बाद s, ठीक है। तो इस s के अंदर क्या क्या अवेलेबल होगा, फॉल्स और ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं enum स्टेटस, ठीक है, उसके बाद जो भी इसकी वैल्यूज देनी वो, और उसके बाद उसका वेरिएबल, ऐसा भी हम लोग एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। तो फॉल्स की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ट्रू की वैल्यू वन रहेगी, ठीक है, आया समझ में कैसे वेरिएबल बनाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देख,